यहाँ पे मैंने ईयरबड लगा के रखा है और इसी से मैं जो साउंड क्वालिटी हो रहा है इसी से साउंड क्वालिटी रिकॉर्ड हो रहा है। वीडियो में किस प्रकार साउंड, जस्ट आधा मीटर का डिस्टेंस में हूँ, किस टाइप का साउंड क्वालिटी आ रहा है इस नेक बैंड से वीडियो में, तो आप लोगों को पता लग रहा होगा। मैं अभी डिस्टेंस ज़्यादा करता हूँ दोस्तों। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है दोस्तों। आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। आप सभी लोगों को पता है, यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए जैसे अच्छा क्वालिटी वीडियो का ज़रूरत होता है, ऐसे अच्छा क्वालिटी वीडियो के साथ साथ अच्छा क्वालिटी साउंड का भी ज़रूरत होता है दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 100-150 रुपये वायर वाला माइक परचेस करते हैं, बट वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है दोस्तों, जो पब्लिक में बात करने में और वीडियो शूट करने में, ब्लॉग शूट करने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो इसीलिए हम लोग जो कि वायरलेस माइक ढूंढते हैं, बट वायरलेस माइक बहुत ही कॉस्टली आता है। जो सस्ता वाला आता है उसमें अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं आता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, जो कि आप सभी लोगों के पास ब्लूटूथ ईयरफोन होगा, जैसे मेरे पास है। एक ईयरबड है वन प्लस का और एक नेक बैंड है वो भी वन प्लस का। इस ईयरबड और इस नेक बैंड से आप लोग कैसे वीडियो शूट कर सकते हो, वो भी अच्छा साउंड क्वालिटी के साथ, ब्लूटूथ वायरलेस माइक के तरह काम करेगा दोस्तों। ये सारे चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कैसे आपको करना है, इसके लिए कौन सा ऐप्स का ज़रूरत पड़ेगा, उस ऐप्स में क्या सेटिंग करना पड़ेगा, फुल डिटेल्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो ये सारे चीज़ आप लोगों को समझाने के लिए मुझे फ़ोन के स्क्रीन पे जाना पड़ेगा दोस्तों। फ़ोन के स्क्रीन में जाके बाकी चीज़ आप लोगों को फ़ोन के स्क्रीन में मैं समझाता हूँ दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं फ़ोन। हेलो गाइज, आप लोग देख सकते हो मैं फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मुझे जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा ओपन कैमरा। ओपन कैमरा, ओपन कैमरा लिख के सर्च कीजिए। मेरा जैसे पहले से इंस्टॉल है इसीलिए यहाँ पे ओपन लिख के आ रहा है। ओके दोस्तों, आप लोगों को ये वाला ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा ऐप्स जो है BT Mono लिख के सर्च कीजिए। देखिए सबसे ऊपर जो है ये एंड्रॉयड का एक लोगो रहेगा और BT Mono करके, और ये वाला ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो मेरा इंस्टॉल है ऑलरेडी, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ऐप्स है, मतलब छोटा MB, कम MB का है दोस्तों, देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब बैक चलते हैं, ये ऐप्स को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आप लोगों को BT Mono ओपन करना है। मैंने BT Mono ओपन कर लिया, ऐसे इंटरफेस आप लोगों को देखने मिलेगा, जो लेफ़्ट साइड में ऑन है और राइट साइड में ऑफ का एक सिंबल है, और बीच में एक है एंड्रॉयड का लोगो, देख सकते हो नीचे मीडिया वॉल्यूम। तो जब भी आप लोग वीडियो शूट करोगे, आप लोगों का जो नेक बैंड है उससे ये या ईयरफोन से आप लोग वीडियो शूट करोगे, उसी टाइम BT Mono ओपन करके यहाँ पे जो ऑन का की बॉटम देख रहे हो, ये ऑन, जैसे मैंने ऑन का बॉटम में क्लिक किया, ये जो एंड्रॉयड का लोगो है इसका एक जो राइट हैंड है वो ऊपर की तरफ हो गया, तो देख सकते हो जैसे मैं ऑफ कर रहा हूँ नीचे हो गया राइट हैंड, और एक ग्रेट कलर हो गया, और जैसे मैं ऑन करता हूँ तो ये ग्रीन कलर हो गया, और जो राइट हैंड है वो ऊपर की तरफ हो गया। और वॉल्यूम जो है इसको आप फुल कर दीजिएगा, उसके बाद इस ऐप्स को मिनिमाइज़ कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे बीच वाला जो फ़ोन का जो होम स्क्रीन होता है उससे आप मिनिमाइज़ कर दीजिए, ऐसे मिनिमाइज़ कर दीजिए। उसके बाद आप ओपन कैमरा ऑन कीजिए। ओपन कैमरा ऑन करके आप लोग वीडियो शूट कीजिए। मैं अभी आप लोगों को वीडियो शूट करके दिखाता हूँ दोस्तों। हेलो गाइस, आप लोगों ने देखा जो मोबाइल में क्या क्या सेटिंग करना पड़ेगा। आपके पास जो भी नेक बैंड है और जो भी ईयरबड्स है उससे आप वीडियो शूट करोगे, तो सबसे पहले आपको ओपन कैमरा ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा, वो हर किसी के पास मोबाइल पे होता है दोस्तों। उसके साथ साथ आपको BT Mono बोल के एक ऐप्स है, उस ऐप्स को भी डाउनलोड करना पड़ेगा। जब भी आप नेक बैंड या ईयरबड्स से आप वीडियो शूट करोगे
तो तब आप लोगों को ओपन कैमरा से वीडियो शूट करना पड़ेगा। और बीटी मोनो का जो ऑन वाला की है, ऑन वाला बटन है, जैसे आप ऑन वाला बटन ऑन करोगे तो उसमें जो एंड्रॉयड का लोगो है उसका राइट हैंड ऊपर की तरफ हो जाएगा और जो एंड्रॉयड का लोगो है वो पूरा ग्रीन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप फोन का जो होम स्क्रीन है उससे आप मिनिमाइज करके बाहर आ जाइए और ओपन कैमरा ऑन करके आप वीडियो शूट कीजिए। अभी ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी मैं ओपन कैमरा से शूट कर रहा हूँ और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने ईयरबड लगा के रखा है और इसी से मैं जो साउंड क्वालिटी हो रहा है इसी से साउंड क्वालिटी रिकॉर्ड हो रहा है। वीडियो में किस प्रकार साउंड क्वालिटी आ रहा है वो भी आप लोगों को पता लग रहे होगा। आप लोग कमेंट जरूर करें कैसा आ रहा है इसका साउंड क्वालिटी इस वन प्लस ईयरबड से कैसा आ रहा है। मैं थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा करता हूँ, अभी लगभग मैं 2 मीटर के दूरी पे हूँ दोस्तों और अभी भी मैं वन प्लस का जो ईयरबड्स है उसी से शूट कर रहा हूँ। मैं एक कान में एक ही लगा के रखा है और जो केस है वो मैंने हाथ में रखा है, आप चाहे तो जेब में रख सकते हो, कहीं पे भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और किस प्रकार साउंड क्वालिटी आ रहा है तो वो आप लोग खुद ही सुन सकते हो। अब मैं नेक बैंड में कवर चेंज करता हूँ, यहाँ पे नेक बैंड लगा के देखता हूँ नेक बैंड में किस प्रकार साउंड क्वालिटी आ रहा है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मैं अब चेंज करता हूँ, ईयरबड्स को बंद करके मैं नेक बैंड के लगाता हूँ, नेक बैंड में किस प्रकार साउंड क्वालिटी आ रहा है वो भी आप लोगों को सुनाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये मैंने नेक बैंड लगा लिया है। इसको चाहे तो आप एक कान में एक लगा के रख सकते हो, एक कान में एक लगा के रखोगे तो इसका जो माइक है ये थोड़ा सा पास हो जाएगा, नहीं तो ऐसे लटका दोगे तो ये थोड़ा नीचे की तरफ हो जाता है। कोई नहीं, आपको जैसे अच्छा लगे आप ऐसे रख सकते हो। यह नेक बैंड का माइक यहाँ पे होता है। तो मैं अभी जस्ट आधा मीटर का डिस्टेंस में हूँ, किस टाइप का साउंड क्वालिटी आ रहा है इस नेक बैंड से वीडियो में तो आप लोगों को पता लग रहा होगा। मैं अभी डिस्टेंस ज़्यादा करता हूँ दोस्तों, अभी लगभग 2 मीटर के डिस्टेंस में हूँ और अभी भी मैं उसी नेक बैंड से साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो में। और किस प्रकार साउंड आ रहा है इस वीडियो में वो आप लोगों को पता लग रहा होगा दोस्तों। आप लोगों को ईयरबड का साउंड क्वालिटी अच्छा लगा या नेक बैंड का साउंड क्वालिटी अच्छा लगा आप लोग कॉमेंट जरूर करें, तो आप लोगों को फिर वो चीज़ पता लग जाएगा। आप लोगों के पास नेक बैंड होगा तो आप उससे भी वीडियो शूट कर सकते हो, क्योंकि आजकल का जो ब्लूटूथ माइक होता है बहुत ही कॉस्टली होता है दोस्तों, जो बहुत ही कॉस्टली, ये तो आप हर किसी के पास होता है। और जो ऐसे नॉर्मली जो ईयरबड ईयरफोन होता है जो मोबाइल के साथ आता है उससे भी आप कर सकते हो, वो फिर वहाँ पे मोबाइल पे लगा रहेगा और आप जितना उसका लेंथ होता है उतना डिस्टेंस तक आप बात कर सकते हो। इसका अब कोई रेंज नहीं है, आप कितना दूर तक चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट ब्लॉगिंग के लिए इतना दूर तो जाना ही नहीं पड़ता। जस्ट आप जितना आपका हाथ लंबा है उतना दूर, या आप ट्राइपॉड रखोगे तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, बट इससे थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। जो पब्लिक के बीच में आप ब्लॉग वगैरह बनाओगे थोड़ा इतना पता भी नहीं लगेगा, वायर वाला माइक से बनाओगे तो वायर लटका हुआ रहेगा तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करें और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।